आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। दिलशाद हत्याकांड के आरोपी को पकड़ने वाले जवान और साइकिल स्टैंड संचालक को एडीजी जोन ने किया सम्मानित। लगातार दूसरे दिन जिला जज और आला अधिकारियों ने दीवानी कचहरी स्थित घटना स्थल का लिया जायजा। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय विधान शीर्षक नाम से जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर एबीवीपी ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आजमगढ़ जनपद में परिवहन और संभागीय परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का अधिग्रहण शुरू। सत्य घटना विस्तार। बीते शुक्रवार को गोरखपुर दीवानी कचहरी स्थित साइकिल स्टैंड के पास हुई हत्या की घटना के अभियुक्त को पकड़ने वाले पुलिस कर्मियों एवं साइकिल स्टैंड संचालक को एडीजी जोन द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बीते दिन दीवानी कचहरी में पूर्व फौजी ने नाबालिग बेटी के साथ रेप के आरोपित युवक दिलशाद की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद स्टैंड संचालक और गेट पर सुरक्षा में लगे दो सिपाहियों ने वारदात के बाद भाग रहे फौजी को दौड़ाकर असलहा समेत दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कन्हैया लाल जी ने जैसे ही उसको देखा गोली मारते हुए, वह शोर मचाते हुए उसके पीछे लग गए। अभियुक्त भागा और कन्हैया लाल उसके पीछे लगते रहे, शोर मचाते रहे, अन्य पुलिस बलों को भी अलर्ट करते हुए लगातार उसके पीछे लगे रहे और काफी जगह उसको पीछा करते हुए वह अभियुक्त जब अम्बेडकर चौराहे पे आया तो वहां पे हमारे ट्रैफिक के तीन जवान लगे थे, जिसमें हेड कांस्टेबल विनोद राम है, होमगार्ड हैं सुरेश चौरसिया और पीआरडी के हैं राजू यादव जी। इन लोगों ने फिर से काफी अदम्य साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई। जब उन्होंने देखा कि कन्हैया लाल कह रहे हैं कि ये हत्यारा है और इसके पास वेपन है, तो जो हमारे सुरेश चौरसिया जी हैं उसने सबसे पहले उससे मोर्चा लिया और दो सुरेश चौरसिया और राजू यादव ने मिलकर उसको दबोचा। इतने पे विनोद वहां पहुंच जाते हैं और विनोद ने उनसे उसका पिस्टल निकाल लेते हैं। तो ये जिन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से आप उसकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरह से होगी, कि तुरंत हत्या किया हुआ है, लोडेड पिस्टल है, उसमें ये चार निहत्ते आदमी लगातार सूझबूझ दिखाते हुए, धैर्य रखते हुए, विषम परिस्थितियों में साहस दिखाते हुए उसको पकड़ा है, वो काबिले तारीफ है, इसलिए इन सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। गोरखपुर दीवानी कचहरी गेट पर दुष्कर्म के आरोपित युवक दिलशाद हुसैन की बीते 21 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके मद्देनजर आज जिला जज, जिलाधिकारी और एसएसपी ने कचहरी परिसर का निरीक्षण कर छोटे छोटे दरवाजों को बंद करने का दिशा निर्देश जारी किया ताकि अराजक तत्व कचहरी परिसर में प्रवेश न कर सके। गोरखपुर जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद के 398 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है। टीकाकरण के दौरान 15 से 17 वर्ष के किशोरों को वैक्सीनेशन के साथ ही 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी टीके की पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि जनपद में 94.36% लोगों ने टीके की पहली डोज और 68.95% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि डिग्री कॉलेज एवं इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रबंधक के साथ बैठक कर निवेदन किया जा रहा है कि 15 साल से 17 साल के जो बच्चे हैं उनका जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जाए। आज हमारे यहाँ 398 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है और प्रथम खुराक हम लोग जो है 94.36% लगा चुके हैं, द्वितीय खुराक 58.95% लगा चुके हैं और 15 साल से लेकर के 17 साल तक जो है हम 48% बच्चों को टीका लगवा चुके हैं और इसी के साथ साथ
प्रिकॉशन डोज जो है वो हम 56% लोगों को लगवा चुके हैं। कोविड के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए सतत हमने की कार्यशालाएं हो रही हैं। टीकाकरण बढ़ावा करने के लिए जो है समाज के सम्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, अध्यापकों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बैठक मैं स्वयं कर रहा हूँ, साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं। कोविड की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए समय समय पर मैं जो अन्य हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट संस्थान के उनका निरीक्षण भी कर रहा हूँ। सामान्य शिक्षक निधि 5,000 रुपए दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर आज उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक संघ ने गोरखपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। वित्त विहीन शिक्षकों का कहना है कि आज कोरोना के कारण 2 साल से स्कूल बंद चल रहे हैं, ऐसे में हमारे सामने बिजली बिल, वाहन की किश्त जमा करने सहित अन्य समस्याएं खड़ी हो गई हैं। आज यहाँ हम लोग जिला इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो हैं प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ पर राज्यपाल को और प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिया गया था। उन्हीं के अनुसार हर जिले में हम लोग विद्यालय खोलने के संबंध में यहाँ गोरखपुर के भी प्रबंधक संघ के लोग हम लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें कि हमारी मांग है कि विद्यालय विगत 90 कोविड के वजह से 2 साल से जो बंद चल रहे हैं इसमें प्रबंधक शिक्षक और जो भी कर्मचारी हैं सब लोग भुखमरी कगार पर आ गए हैं। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा स्थित रामपुर रकबा गांव में आज रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर घोड़े, हाथी, बैंड बाजे के साथ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। इस संबंध में ग्राम प्रधान श्रवण मौर्या ने बताया कि पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ ग्रामीणों ने इस कलश यात्रा में हिस्सा लिया। यह महायज्ञ 31 जनवरी तक चलेगा। ये धार्मिक है, सबकी आस्था है, आस्था को ही लेके हम लोगों ने ये महायज्ञ कराया। कितने लोग आए हैं? जनसंख्या गिनती में नहीं बता सकते। तो कहा जा सकता है कोरोना पर आस्था भारी हो गई है? हाँ, कोरोना में आस्था भारी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। नव वर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस की सभी सम्मानित जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, मैं रुद्र हॉस्पिटल और हेरिटेज हॉस्पिटल का संचालक हूँ। मैं आपको अपनी तरफ से और अपने हॉस्पिटल की तरफ से मकर संक्रांति और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। MLC CP चंद की तरफ से गोरखपुर महानगर की जनता को नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP 5 अलग-अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी सुनौली रोड गोरखपुर, आयुष रेजिडेंसी करजहा गोरखपुर, आयुष स्मार्ट सिटी सोनबरसा गोरखपुर, आयुष ग्लोबल सिटी माड़ापार गोरखपुर, आयुष ग्रीन सिटी परसा जाफर बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से, हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलते हैं शेष खबरों की तरफ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा BRD मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक टीम के सहयोग से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर आयोजन के संदर्भ में ABVP गोरक्ष प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हुए आ रही है। आप सभी आज देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर प्रांत के गोरखपुर महानगर के द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर का आयोजन स्वामी विवेकानंद जी के युवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज हम इसे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर इसे हम कर रहे हैं।
और रक्तदान में हम युवाओं से आह्वान करेंगे कि वो अपने मानव अपने देश के लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए रक्तदान करें। गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र स्थित एक बियर की दुकान के मुंशी से मोबाइल एवं रुपए की लूट करने वाले 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान गोला थाना क्षेत्र के पांडेपुर के रहने वाले मानसिंह देवेंद्र राजकुमार के रूप में हुई, जिसके पास से पुलिस ने 1 अदद देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, मोबाइल लूट के 30,770 रुपए सहित लूट में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया है। गगहा क्षेत्र में लूट की एक घटना हुई थी, जिसमें शराब के ठेके से जो सेल्समैन है, जब वो जा रहा था घर को, तो उसके रास्ते में 3 बुलेट सवार बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया था, जिसमें लगभग 40,000 रुपए थे और 2 मोबाइल थे। लूट की इस घटना के संदर्भ में पुलिस की परंपरागत मुखबिरी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस दोनों से इस घटना में शामिल लोगों को चिन्हित किया गया और गगहा पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। गोरखपुर जनपद के खजनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर इस धंधे में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने यह छापेमारी खजनी थाना क्षेत्र के बेलडांड गांव स्थित AKS मार्का भट्टे पर की है। इस दौरान पुलिस ने 90 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान खजनी थाना क्षेत्र के जितेंद्र सिंह, सोवेंद्र और झारखंड के रहने वाले राजेश भगत के रूप में हुई है। शराब बनाते हैं भट्टियों पे। इस तरह का एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हुए और गैस सिलेंडर, चूल्हा और उपकरण जो इनके लगते हैं अवैध शराब बनाने में, तथा अपमिश्रण के लिए जो यूरिया नौसादर आज होती है, ये सब की बरामदगी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे आजमगढ़ जिला प्रशासन की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिला प्रशासन ने 2022 के चुनाव को देखते हुए चुनाव संबंधित सभी विभागों को निर्देशित किया है कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई समस्या न हो, चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जा सके, इसके लिए सभी विभाग अपने अपने कार्यों को समय रहते पूर्ण कर ले। इसी क्रम में परिवहन और RTO विभाग चुनाव में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के संदर्भ में वाहन अधिग्रहण के लिए वाहन स्वामियों को बकायदा जिला प्रशासन के आदेश को पुलिस के माध्यम से पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम लोग को चुनाव जब से अधिसूचना जारी हुई है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश हुआ था कि समय रहते हुए हल्के और भारी वाहनों का अधिग्रहण आदेश यहाँ से भेज दिया जाए, जो कि पुलिस के माध्यम से जाता है, वाहन स्वामी को तामिल होता है। उसी के संदर्भ में तैयारी के तौर पे हमको 10 विधानसभा के अनुसार 1,000 हल्के वाहन लगभग और 1,500 से लेकर 1,150 तक भारी वाहन का, तो इनको ये था DM साहब के कि चूँकि हमारा 7वां चरण में चुनाव है, तो इनको समय रहते हुए, चूँकि जब प्रथम चरण का चुनाव शुरू हो जाता है तो पुलिस चली जाती है, तो ये अधिग्रहण आदेश ये 31 जनवरी तक किसी भी हालत तक हम भेज दें पुलिस के द्वारा, ये हमारा वहाँ पे तामिल हो जाए। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र गोरखपुर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान जारी किया गया। भर्ती विधान नाम से जारी इस घोषणा पत्र में युवाओं से तमाम महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ छात्र संघ चुनाव बहाली शामिल है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भर्ती विधान उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के लिए भर्ती विधान के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है, जो केवल युवाओं के लिए। आप देख रहे हैं कि विगत 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं और यह सरकार उनको छलने का काम कर रही है।
प्रियंका जी ने पूरे 4.5 साल उत्तर प्रदेश में घूमकर युवाओं के से बात किया, जाना, उनके दर्द को समझा। इसके लिए उन्होंने स्पेशल रूप से जो है भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र जारी किया है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद युवाओं के लिए प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस करेंगे। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।